वेलकम बैक टू MS ब्लॉग। तो मनोरमा सौरभ ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आफ्टरनून से। और मैं नहा चुकी हूँ, देखिए रेडी हो गई हूँ एकदम। और देखिए आप पीछे देखिए, ये देखिए बरगद का पेड़ दिखाते हैं आपको, बैक कैमरे से दिखाऊंगी अभी बरगद का पेड़। गाइस ये इतना अच्छा है, इतने एनर्जेटिक है, हमारे पूरे घर की एनर्जी ये बरगद का पेड़ है। और मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के यहाँ पे आती हूँ और इसको देखती हूँ। और आजकल तो बारिश पड़ गई है, तो बारिश की वजह से ना पत्ते एकदम साफ़ हरे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि हमारे घर के पीछे ना यहाँ पे जिस जगह पे ये पेड़ है, इस जगह पे कभी भी कोई मकान नहीं बनने वाला, कोई घर नहीं बनने वाला। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये, कम से कम मैं नेचुरल चीज़ें देख सकती हूँ सामने। और मैं चाहती भी नहीं थी कि ये कभी कटे। और अगर हमने लाइफ में और दूसरा भी घर बनवाया, वैसे हम सोच रहे हैं, तो मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी, इसी घर में रहूंगी, क्योंकि ये मेरी एनर्जी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा था जी ये घर जब हमने ख़रीदा था, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस पेड़ की हुई थी कि मुझे ये पीछे बहुत ही बड़ी एनर्जी मिली थी। गाइस मेरे को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए प्यार तो मुझे सबसे है, इंसानों से भी, नेचर से भी, जानवरों से सबसे है, प्रकृति से सबसे है। बाकी मेरे को अपने इस घर में इस वजह से, इस रीजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। सोचा कि चलिए आज आपको ये दिखा देते हैं। वैसे तो मैंने वीडियोज़ में दिखाया है पहले भी, लेकिन आज सोचा कि चलिए अच्छे से इसका आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं बिल्कुल पास से। और पत्ते हो गए एकदम साफ क्लीन, दिखाती हूँ मैं बैक कमरे से। तो गाइज ये देखिए कितने अच्छे पत्ते हो रखे हैं, आप भी थोड़ी सी एनर्जी लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, और ये भी देखिए इधर से, ये देखिए एकदम चमकीले हो रहे हैं सारे पत्ते, शांत एकदम शांत हो रखा है। काफ़ी बड़ा पेड़ है, अच्छा है बहुत। गाइस ये देखिए माइलो, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ साथ रहता है, हर जगह मेरे साथ घूमता है, मेरे बगैर बिल्कुल रहता ही नहीं। जहाँ मैं जाऊँगी पीछे आगे किसी भी बालकनी में किसी भी रूम में साथ ही रहता है। गाइस ये हमारी बैक वाली बालकनी है, देखिए ठाकुर जी की पोशाकें टंग रही हैं, मैंने धोई थी ये कल। तो वैसे बहुत लोग कहते हैं कि, मेरी मम्मी भी खुद भी कहती हैं कि ठाकुर जी की पोशाक को धोना नहीं चाहिए, बट पता नहीं तसल्ली नहीं होती है मुझे ना, जब तक लगता है कि जो उतरे हुए कपड़े हैं उनके वो धुलने ही चाहिए। तो मेरे को ये चीज़ लगती है, मेरे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मुझे लगता है कि नहीं ठाकुर जी को धो के बनाना। देखिए भगवान है वो, तो उनके लिए क्या धोना और क्या वो भगवान के लिए, लेकिन ये हमारी खुद की इंसानी सेटिस्फेक्शन होते हैं कि हम ये सब करते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:15 और मैं जा रही हूँ अभी वंशी को छोड़ने मेट्रो स्टेशन। तो बस चलिए चलते हैं, और आप लोग भी बने रहिए, आज आफ्टरनून का आपको ब्लॉग देंगे। सोचा कि मॉर्निंग रूटीन तो मैं काफ़ी टाइम से आपको दिखा रही हूँ, चलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आप लोगों का भी। तो बस अभी जा रहे हैं, और आके मैं लंच खाऊंगी, अभी तक मैंने लंच नहीं किया, आके खाऊंगी लंच। ठीक है माधुरी। गाइस ये देखिए ये वंशी ले जा रही है अपने लिए चीज सैंडविच, देखिए कितना अच्छा अच्छा ये नाश्ता लेके जाती है, लड़की मेरे लिए नहीं बनाती है। चीज सैंडविच लेकर जा रही है ये, अच्छी दिखा दो दे बोल के। नहीं तो नहीं, बहुत है खराब हो जाएगा। और देखिए दोपहर में कुछ इस तरीके से शांत माहौल होता है हमारे यहाँ का। गाइस ये रोड की वजह से ना इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सारी गंदगी आती है घर में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है सफाई में। और देखिए हमारी बालकनी क्लीन हो गई है एकदम साफ सुथरी बढ़िया। और देखिए तुलसा जी भी काफ़ी अच्छी हो रही है मेरी आजकल, ये देखिए दो दो हैं। गाइस ये वाली तो पूजा पाठ के लिए लगा रखी है, और ये वाली देखिए घर बन रहा है, सारा दिन शोर होता रहता है। गाइस ये देखिए इसका वंशी का कीरिंग, कौन है ये वंशी?
इसकी बहन ने गिफ्ट किया था इसको। गाइस वंशी को अभी मैंने छोड़ दिया है, तो देखिए एक ड्यूटी हो गई है मेरी कंप्लीट। ड्यूटी होती है सुबह से और सारे काम डिसिप्लिन के साथ हो जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है दिल को। तो बस वंशी चली गई है, अभी रात को लेट नाइट तक आती है वंशी, करीब 9 बज जाते हैं उसको आने में। और पापा तो उसके जल्दी आ जाते हैं 7:30 बजे, बट वो जिम जाते हैं फिर लेकर आते हैं, तो 9 बजे तक आ जाती है। तो चलिए आप चलते हैं घर पर और फाइनली करेंगे लंच। लेट हो जाता है गाइस पूरी, वैसे तो डेली ये 1:30 बजे जाती है, बट आज थोड़ी जल्दी चली गई है, तो बस मैंने सोचा चलिए इसको छोड़ के तब लंच खाते हैं। गाइस ये देखिए बिल्कुल दोपहर में सुनसान रोड होती है, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही कम लोग चल रहे होते हैं, शांत वातावरण एकदम। क्या कर रहे थे आप? आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप बताओ? क्या चढ़ना जरूरी है मतलब ऊपर? क्या क्या ये क्या क्या हरकत है ये? जब भी बाहर से आते हैं इसी तरह चढ़ जाता है ऊपर। बताओ क्या क्या चाहिए आपको? ये देखिए ये देख ये देख क्या क्या भूख लगी है क्या? भूखी भूखी लगी है क्या? बताओ भूखी भूखी बताओ। अच्छा इधर आके बता दो। चलो क्या हरकत है क्या हरकत है ये क्या हरकत है क्या हरकत है? अरे लग गई मेरे गड़बड़ी करिए। देखिए जब भी बाहर से आती है देखिए लग गई मेरे क्या नाखून नहीं काटे, गंदी बात करते हो हमेशा, इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे हैं क्या? इतनी एक्साइटमेंट किस लिए किस लिए किस लिए किस लिए किस लिए क्या हो रहा है क्या 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 हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है? किस लिए इतनी एक्साइटमेंट? किस लिए किस लिए किस लिए? ना गंदी बात। तो गाइस फाइनली पहुंच गई हूँ घर और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए रोटी, और चलिए खा लेते हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए एंजॉय कर लीजिए। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया तो करे आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आज पहली बार चैनल पर आए हैं आप लोग तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी नई। और जो अगर आप लोगों को पुराने व्लॉग्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए वॉच करिए, बहुत सारे व्लॉग हैं मेरे पुराने। तो गाइस ये देखिए दही जमी है एकदम परफेक्ट वाली, मैंने जमाई थी, डेली गर्मियों में दही जमाती हूँ और देखिए एकदम परफेक्ट जमी है। चलिए इसकी बनाएंगे लस्सी।
आज दही खाने का मन नहीं है तो इसकी लस्सी बनाते हैं। तो गाइज आज लस्सी बनाते हैं मिक्सी में, विस्कर मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम है इस वजह से बनानी पड़ रही है इसमें मुझे। तो गाइज आज बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी, देखिए काफी अच्छी आजकल भिंडी आ रही है, टेस्टी टेस्टी और एकदम ताजा ताजा। तो देखिए सुबह बनी थी एकदम कढ़ाई भर के और अब बची है इतनी, इसमें से तीन चार चार लंच पैक हो गए। तो गाइस ये देखिए ये हो गया है मेरा परफेक्ट देसी फूड रेडी। ये देखिए भिंडी की सब्जी, रोटी, लस्सी, देखिए ये भी मेरे साथ साथ ही रहता है। अभी मैं रूम में आ गई हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आके बैठ गया। रोटी क्यों नहीं खाई आपने? गाइस मैंने अभी ना इसको रोटी दी थी घी लगा के, ये बहुत बदमाश हो गया है, ये बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गया है ये पिल्ला हमारा। माइलो क्यों, देखो सुनता सारी चीजें, देखिए आंख खुल रही है, आंख खुल रही है। माइलो रोटी क्यों नहीं खाई तुमने, बोलो अपना लंच क्यों नहीं फिनिश किया, पिटी करो। गाइस देखिए सारी बातें सुनता है आँख खुल के। तो गाइस अभी खा लेते हैं लंच, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ देसी खाना खाने। कौन कौन देसी खाना खाता है? वैसे तो सभी खाते हैं, देखिए इंडिया है, भारत है, सब खाते हैं, बट बहुत से लोग थोड़ा वैसा भी खाते हैं। तो बिल्कुल हम तो, मैं तो बिल्कुल प्योर देसी फूड खाती हूँ, देसी लोग, देसी फूड, देसी, आई लव देसी। तो गाइस अब चलिए फाइनली कर लेती हूँ मैं लंच और अभी मानवी वंश आएंगे। अभी तो टाइमिंग हुई है 1:30 बजने वाला है, तो 1:30-1:45 का टाइम है अभी, तो वो लोग आते हैं 2:30 बजे। तो बस अभी लंच करूँगी और लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल गया है तो रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे ब्रेक के बाद। आप इतने भूखे प्यासे हो, कुछ पूछेगा नहीं कोई? मैं पूछ तो रही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, पूछ तो रही हूँ, कहाँ पूछ रही हूँ, पूछ तो रही हूँ। खाना खाओगे वंश का? नहीं है अभी तो बोला है। क्या है खाने में? नमस्ते। अब बताओ क्या क्या है खाने में? खाने में भिंडी की सब्जी है, दही है, रोटी है और वो खा कर आए उसमें मॉर्निंग में आप, फ्रूट्स हैं। गाइस स्कूल से आ गए हैं बच्चे, देखिए हाँ। और मैं खाना खा के लेट गई थी थोड़ा सा, मेरी आंख लग गई जरा सी देर, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, फर्स्ट टाइम हुआ है। नहीं खूब होता है, 3 चक्कर में तो घूम रहे थे तो रोने लगा। रोटी पूछ लेना, कोई जल्दी निकल रहा है आपको, इसको छोड़ के निकल गए हम तो आए थे। अब इतने घंटों बैठ कर भाई कितने से खाना मिलेगा? टीवी देख सकते हो आप? टीवी देख सकते हो? टीवी की मना नहीं कर रही मैं, तुझसे कहो पहले कह रहा हूँ। क्या इससे कहो? टैब नहीं, टैब नहीं, टीवी देख ले, मैं कह रही हूँ उससे। चलो बंद करो, फिर से लूंगा, दिमाग घूम जाता है टैब में गेम खेलने से। पहले क्या इसको, फिर पक्का देख लूंगा। क्या कहना है? ये मेरे को टीवी देखने दे। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, देख ले जा। अरे नहीं ये वो जोर जोर छीलते फिर रुलाती है तो मेरे को रोने का मन नहीं है। रोने का मन नहीं है और क्या? तो मैं हूँ तो सही है, रोएगा क्यों तू? रुला देती है ये जब भी। ऐसे कैसे रुलाएगी, जा तू चला ले टीवी, जा।
ये मानते नहीं है, क्या करूं? बहुत बोला इससे। छोड़ दे टैब। अरे मैं इससे मत बोलो, इससे बोलो। अब मैं बैठी हूँ यहाँ, फिर भी वो अपनी चलाएगी क्या? हाँ वो चलाती है। तू चला ले जा, देख मैं देखती हूँ कैसे चलाएगी अपनी। जो क्या चला देती है वो? अब तू ही नहीं सुन रहा मेरी बात। चल जा, चलो। सब लोग देख रहे हैं आपको वीडियो में। देखने दो, कोई परवाह नहीं है आपको? मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते हो आप किसी की? बस आपको और पूरी फैमिली को छोड़ के सबकी मतलब पूरी फैमिली को रेस्पेक्ट करते हो। और मनीष गंदी बात है बेटा, ये तो बहुत ही गंदी बात है। ये कहाँ से सीख रहे हो आप? मेरा समझ भी नहीं आ रहा, मैं बहुत छोटा हूँ, रेस्पेक्ट नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? हाँ तो सबकी करनी चाहिए ना आपको। ये तो सबकी तो करूँगा, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि मैं अपनी फैमिली की करूँगा बस? चलो ये तो मेन है फिर भी, पर मैं किसी और की क्यों नहीं करूँगा? बड़े नहीं होते क्या मेरे से? अभी बोला है आपने, अभी बात से पलट रहे हो। बात से कौन पलट? पता है मुझे, अब तेरा ध्यान तो गेम में है ना, बोल को यहाँ रहा है, गेम में ध्यान लगा रहा है। तो गाइस ये देखिए, ये खा रहा है यहाँ पे चीज़ ब्रेड वंश और साथ में खेल रहा है गेम, और बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है ये, बंद करना है अभी थोड़ी देर खेल के, ठीक है वंश? समझ रहे हो ना आप, बहुत गलत है बेटा ये चीज़। गाइस मैं थोड़ी देर खेलने देती हूँ इसको, क्योंकि स्कूल से आता है, सुबह जाता है 6:30 बजे, और काफ़ी लेट आते हैं बच्चे, तो बस थोड़ी बहुत देर खेलने दूंगी, उसके बाद तो ये रेस्ट करते हैं, सोते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं ये हमारी मोटी वाली जो बेटी है ये क्या कर रही है, क्या हो रहा है ये? और बाप रे इतनी सारी चीज़ स्लाइस। गाइस ये देखिए, दो इंची से है ना, दो इंची और दो इंची बनाई मैंने, इतनी सारी पूरे ढेर की ढेर। अरे दो थी पूरा तो। और भैया को खाली सिंपल बना के दे दी, उसने सिंपल ही मांगी थी इसलिए मैंने सिंपल, उसने सिंपल ही मांगी। कितनी गंदी बात है, अब उसने सिंपल मांगी थी अपने लिए अच्छा खाना और भैया के लिए ऐसा। मैंने उससे पूछा भी था ठीक है ना। गाइस ये देखिए ये बना रही है अपने लिए चीज अच्छे से, और बोली कि मैं खुद बना लूंगी, और भैया के लिए बना के दे दी केवल सिंपल सी। उसने मांगी थी सिंपल सी, मैंने उससे पूछा भी था प्याज वाली खाएगा, खा ले वंश, तूने प्याज वाली बोला था? चल गया पता। तो गाइस ये देखिए मोटी कर रही है एंजॉय कोल्ड कॉफी, आप जैसे पतंग कितने पतले हो। और ये देखिए ये चीज सैंडविच खा रही है, इसको चीज सैंडविच नहीं बोलेंगे, इसको चीज पिज्जा बोलेंगे, चीज ब्रेड पिज्जा, अनियन पिज्जा होता है ना वो वाला। तो बस अब ये एंजॉय करेंगे ये खाते खाते, और कम से कम अभी आधा घंटा ये देखिए टीवी चल चुकी है हमारे घर में, बस वो वहाँ पे खा रहा है। गाइस ये देखिए मानवी बना रही है यहाँ पे, मैंने ही रखे हैं ये देखिए पॉपकॉर्न है, ये माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न, और ये देखिए एक टू पॉपकॉर्न, ये माइक्रोवेव वाले अलग से आते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं ये, और देखिए काफ़ी क्वांटिटी में निकलेंगे अभी दिखाएंगे अभी आपको बाहर निकाल के। गाइस ये देखिए तो काफ़ी क्वांटिटी में इसमें निकल जाते हैं पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में, और सिर्फ ये 1 मिनट में, 1 मिनट में ही नहीं, 2 मिनट में बनते हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट 40 सेकंड्स। तो देखिए गाइस बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं ये परफेक्ट वाले पॉपकॉर्न, ऐसे वाले होते हैं जैसे कि मूवी थिएटर तब जाते हैं ना तो देखने जाते हैं, तो वो शायद से यही वाले बना के देते हैं, खुशबू भी सेम है, टेस्ट भी सेम है। तो देखिए एकदम परफेक्ट रेडी हो गए हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं इनको। तो गाइस तो अब हो चुकी है शाम, आपको ना
वो दिखाएंगे, सूरज सूर्यास्त होते हुए सामने से दिखता है हमारे टेरेस से, छत से। और देखिए मानवी मस्त पॉपकॉर्न खा रही है। छत पे आ गई थी आज, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। वैसे तो मुझे चाय पीनी थी अभी, और लेकिन चाय पियेंगे अभी नीचे जाके। मैंने सोचा चलिए आज आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। और सूर्यास्त हो रहा है, काफ़ी अच्छा सूरज लग रहा है। देखिए दिखाते हैं आप, तो देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। शाम का टाइम है, अभी टाइम हुआ है करीब 6:30 बजे। और देखिए यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं पॉपकॉर्न। शाम को ये लोग यहीं छत पे आ जाते हैं। पार्क में तो काफ़ी किचकिच सी हो रही है आजकल, रोड भी बन रही है तो गंदा हो रहा है और पानी भर गया है, तो इस वजह से पार्क नहीं जा रहे हैं ये लोग। और इससे मैंने मना किया है कि यहाँ बैठ के मत खाया कर, अभी यहाँ बैठ के खा रही है ये देखिए। तो इसे मैंने मना किया था ना कि यहाँ बैठ के मत खाइए, यहाँ पे गिरने का डर है। हैं, हम तो यहाँ पे चढ़ चुके हैं बहुत बार, आप क्या बता कब सीता गिरना है क्या हैं? हाँ इधर आओ, इधर इधर आ जाओ दूसरों की छत। तो गाइस शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है छत पे आके भी हम लोगों को। आज तो आपको सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। और देखिए यहाँ से मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था बरगद का पेड़, और यहाँ से भी दिख रहा है ये देखिए गाइस, ये देखिए ऊपर से। और देखिए ये हमारा व्यू है बाहर का, इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे आस पास। और ये देखिए ये रहा पेड़, मेरा प्यारा वाला एनर्जी ट्री, एनर्जी ट्री। ये लड़का जो है मैंने शादी के लिए तैयार किया है, शादी में जा रहा है ये, इसके पापा आने वाले हैं ऑफिस से। और ये देखिए माइलो के घर में, तुझे पता है कि यहाँ पे माइलो सोता है, तुझे माइलो बनना है क्या? निकलो इसमें से, गंदी बात करते रहते तुझे। तो गाइस आज जा रहे हैं बच्चे शादी में, ये देखिए तो खाने की छुट्टी, डिनर मेरे को बनाना नहीं है, सबसे बड़ा काम हो जाता है। और गाइस एक और बात बता दूं, मम्मी और पापा से लड़ती है, हमसे भी लड़ती है, दीदी से भी लड़ती है, आपको क्या पता। तब से मम्मी ने YouTube चैनल खोला है ना, और मम्मी तब से मैंने मम्मी का ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा है। और तब गाइस तो अभी और बुराइयां सुनने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप और बुराइयां सुनिए मेरी। हाँ बोलो बोलो बोलो, और क्या क्या बुराई करनी है? और बोला है कि मम्मी वीडियो ऑन करो तो हमें और बुराई करनी है आपकी, बताओ। हाँ और क्या क्या रह गया था बता दो, बता दो। मैंने अब कब बोला था? तो मेरी क्या सजा होनी चाहिए वैसे? तो मैंने तेरे से कब से रील नहीं बनाई, सच बता। आज एक कोई एक महीने बाद एक बनवाई होगी, कितनी भी बनवाई। अब मैं पढ़ रही थी ढंग से, अब बोल रही रील बना तो मारूंगी तेरे को, बता। छत पे हाँ। छत पे पढ़ रहे थे, वहाँ पे मस्ती मार रहे थे, वहाँ पे बगल वाली छत पे। देखो ये पागल हो रहा है। अरे मेरी साइड की मुंह दिखा दो, मैं पे टेंशन ले रहा। चलो बाय, मैं जा रही शादी में।
वंशी को नहीं ले जाओगे? हैं? वंशी को ठीक है, अब डाल देना साली के लिए अपनी वीडियो में। ओके ओके डन बाय गाइस। देखो पैर बुराई करके पैर भी छूने इसको मेरे। अच्छे से खा के आना ठीक है। ओके ओके चलो बाय। छत पे से नीचे और बच्चों को तैयार किया है, शादी में गए हैं बच्चे मानवी वंश और हस्बैंड मेरे उनके पापा। और देखिए आपको अभी ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं चाय पीऊंगी छत पे से आके, बट इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं चाय पी पाती। मैंने मानवी से पॉपकॉर्न भी निकलवा के रख लिए थे कि चाय पीऊंगी, बट देखिए गाइज लेडीज़ की कितनी कैसी लाइफ होती है, लेकिन फिर भी कोई क्रेडिट नहीं देता, सब यही बोलते हैं बुराई करते हैं। और देखिए बच्चे भी बुराई कर रहे हैं मेरी व्लॉग में, आपने देखा है अभी। और बस देखिए सारी कंडीशन इग्नोर मारिए, अवॉइड करिए, तभी आप लोग खुश रह सकती हैं। लेडीज़ के लिए मैं एडवाइस कर रही हूँ, अगर आप हर बात दिल पे लगाएंगे, हर बात दिमाग में लेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। और मैं भी लेती थी पहले काफ़ी दिल पे दिमाग पे, अभी भी ले जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है जब ज़्यादा मेरा माइंड अपसेट होता है तो। बट ये है कि कभी कभार मूड अच्छा होता है तो कोई कितनी भी बुराई करे, कितना भी कोई क्रिटिसाइज करे, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बाउंसर जाता है मेरे तो, क्योंकि माइंड ख़राब हो जाता है, नस तन जाती हैं सारी दिमाग की। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं शांत रहूँ, कूल रहूँ, अपने माइंड को ठंडा रखूँ और दुनिया के बारे में सोचूँ ना ज़्यादा। ज़्यादा सोचती हूँ तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, तो इसलिए अवॉइड करिए सारी सिचुएशन, कोई भी बुराई करे, कितनी भी बुराई करे, गड्ढे में डाल दीजिए सबको, जैसे मैं डालती हूँ अब आजकल। और देखिए चलिए दिखाते हैं आपको, और पॉपकॉर्न दिखाते हैं, चलिए ये देखिए, इतने अच्छे पॉपकॉर्न बनाए थे, मन कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ, बट अब तो टाइम ही ओवर हो गया, 9 बज गए, डिनर टाइम हो गया, और डिनर तो मैं करूँगी नहीं अब, रात के टाइम तो मैं गाइस डिनर कम खाती हूँ, खाना कम खाती हूँ, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि वेट की बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, वेट बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए खाना अगर खाती हूँ तो हल्का खाती हूँ, कम खाती हूँ, रोटी तो खाती ही नहीं हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखते रहिए, बताते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और रील बनाई है मैंने छत पे, आज जाके रील बनाई थी एक, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो कीजिए, वीडियोस देखिए, रील्स वीडियो हैं काफ़ी मेरी, वहाँ पर लिंक वगैरह भी जाते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और देखिए दूध गर्म हो गया है मेरा, सब लोग गए हैं तो बस काम ख़त्म कर लिया है सारा, बर्तन वर्तन धो लिए और ये देखिए एकदम क्लीन कर लिया पीछे से, गैस वैस सारी बर्तन वर्तन सब काम फिनिश, एकदम फिनिश।